आज हम आटा बिस्कुट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। तो एक प्याला में 1 कप गेहूं के आटा लेंगे। गेहूं के आटा के जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब हमने जितना आटा लिया है उसके आधा सूजी डालेंगे। सूजी मोटे वाला या फिर बारीक वाला कोई भी चलेगा। और हर एक चीज़ को नाप करके ही डालें। एक पिंच जितना नमक डाल देंगे। नमक डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। चीनी को मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से पीस लिया है। और अब हम इसमें मोयम के लिए 1/4 कप देसी घी डाल देंगे और घी को इस तरीके से पिघला करके डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो उससे पहले 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल या फिर 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि घी आटा और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे मोयम करना कहते हैं। इसी के वजह से बिस्कुट हमारा सॉफ्ट बनेगा। जिस तरीके से मार्केट वाला बिस्कुट सॉफ्ट रहते हैं ना, उसी तरीके से ये भी बनेगा। और इसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। नीचे में जो सूखा आटा है उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से बांध करके देख लेंगे। हल्के हाथों से बांधेंगे मिक्स होने के बाद। अगर बंध रहा है तो मोयम हमारा परफेक्ट डाला है। और हमने हर चीज़ नाप करके ही डाला है तो मोयम भी परफेक्ट ही रहता है। इसी तरीके से नाप करके डालेंगे तो आपके भी बिस्कुट या फिर ठेकुआ सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरीके से बांध करके देख लिया, बंध रहा है तो बस मोयम आटा में लग के तैयार है। अब हम इसे गूंदेंगे। तो आप पानी से भी गूंद सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूध से गूंद रही हूँ। 1/4 कप से थोड़ा सा कम ही दूध यूज होता है। हमें एक अंदाज़ा है तो इसीलिए मैंने एक बार में ही डाल दिया। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे मिक्स कर ले। और ये आटा को गीला नहीं गूंदना है, टाइट ही लगाना है। और ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करना है। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मिक्स करेंगे। ये देखिए, हल्के हाथों से आटा को बांधेंगे और फिर से बिखेर देंगे। इसी तरीके से आटा को लगाएंगे और नीचे जो सूखे आटा है उसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो 2 से 3 चम्मच दूध डालें, मिक्स करें, तो फिर आटा आपके अच्छे से लग के तैयार होगा। और ये आटा इसी तरीके से लगाया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से बिखर रहा है ना, बस आटा हमारा लग के तैयार है। और अब हम इसका शेप देंगे। तो आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, थोड़ा सा छोटा या फिर बड़ा। तो देखिए, मैं छोटा छोटा गोल गोल सा बना लेती हूँ। और ये इस तरीके से दबाने से किनारे से फटते हैं तो, पर कोई बात नहीं, इसे बनाने में ऐसे ही फटते हैं। और इसे चाकू से इस तरीके से डिजाइन इसके ऊपर दे देंगे या फिर इसे आप सिंपल भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इस पे डिजाइन दे करके सारे इसी तरीके से बिस्कुट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्कुट बना के तैयार कर लिया है। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं। तो मैंने डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को मध्यम गरम किया है। तो इस तरीके से छोटा सा बॉल्स डाल करके चेक कर लेंगे। तो देखिए, बबल अच्छे से आ रहा है। अब इसमें सारे बिस्कुट या फिर ठेकुआ, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और इसे डाल देंगे। और अब हम इसके आंच मध्यम कर देंगे। मध्यम आंच पर कुछ सेकंड के लिए एक साइड छोड़ देंगे लाइट गोल्डन होने के लिए। इसे छेड़छाड़ तुरंत नहीं करेंगे, नहीं तो इस टाइम सॉफ्ट होता है फिर टूट जाएगा, बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। तो इसीलिए एक साइड लाइट गोल्डन होने के बाद इसे पलट लेंगे और फिर से धीमी आंच पर इसे डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट के टाइम लग सकता है या फिर उससे कम भी लग सकता है। तो इसे
तीन बार पलट करके सेकेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये बिस्कुट थोड़ा सा मोटा ही होता है, कोई भी शेप दे पर मोटा होता है। तो ये देखिए डार्क गोल्डन कलर के हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए किनारे में रख लेंगे तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, फिर दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे सारे बिस्कुट को। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल करके रख लिया। अब हम सेम कढ़ाई में बचे हुए बिस्कुट को डाल देंगे, आँच को डालते टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जब सारे बिस्कुट डल जाएगा इसमें कढ़ाई में तो आँच को धीमी करके कुछ सेकंड के लिए लाइट गोल्डन होने देंगे। एक साइड लाइट गोल्डन होने के बाद फिर इसे पलट लेंगे, फिर इसे भी 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आँच आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड थोड़ा सा गोल्डन कलर के हो गया है, तो इसे हम पलट लेंगे और इसी तरीके से 2 से 3 बार पलटते हुए इसे डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बिस्कुट बनके तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।